पंजाब पुलिस के पास लकीर पीटते हुए बस अमृतपाल के भागने के दौरान के कुछ वीडियोज और तस्वीरें हैं। पहले आप इन्हें देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है। देखिए, शनिवार को दोपहर 11:27 पर सबसे पहले अमृतपाल मर्सिडीज में भागता हुआ दिखाई देता है। इस गाड़ी में बैठे अमृतपाल को पुलिस ने सबसे पहले रोकना चाहा था और दावा है कि इसके 8 मिनट के अंदर दोपहर 11:35 पर अमृतपाल ने कार बदलकर ब्रेजा कार का इस्तेमाल किया। ब्रेजा कार का इस्तेमाल भी फिर अमृतपाल ने अधिक देर तक नहीं किया और इसके सिर्फ 21 मिनट बाद भागने के दौरान अमृतपाल एक बाइक पर नजर आता है, जो दावा है कि उसने एक गुरुद्वारे के पास से ली। और फिर दावा यह है कि बाइक से भागने के 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर फिर से अमृतपाल एक बुलेट पर बैठकर फरार होता हुआ दिखाई देता है। मतलब उसने बहुत शातिराना ढंग से गाड़ियां बदली और फरार हो गया। और ये वो तस्वीरें यहां पर जीती जागती उस बात का सबूत है। और ये खुद पुलिस ने तस्वीरें जारी की, पुलिस के हाथ ये तस्वीर लगी है और पुलिस ने ये बताया कि किस तरह से वो अंत में बुलेट पर फरार हुआ। तो जो अमृतपाल 23 फरवरी को अजनाला थाने पर हमले के बाद से पुलिस के सामने हथियारबंद दस्ते के साथ चला गया, वही खालिस्तानी समर्थक और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा माने गए अमृतपाल की सिर्फ तस्वीरें ही पंजाब पुलिस के पास इस समय हैं। और इसीलिए तो आज हाईकोर्ट तक ने पूछ लिया, अगर सब गिरफ्तार तो अमृतपाल क्यों है फरार। तस्वीर नंबर एक, बाल छोटे और हल्की दाढ़ी। तस्वीर नंबर दो, सिर पर पगड़ी। तस्वीर नंबर तीन, सिर पर भगवा पगड़ी। ये तस्वीर नंबर चार। तस्वीर नंबर पांच। तस्वीर नंबर छह। तस्वीर नंबर सात, जिसमें न दाढ़ी न लंबे बाल। शनिवार से भागे अमृतपाल सिंह की अब ये सात नई और पुरानी तस्वीर पंजाब पुलिस ने जारी की। सिवाय तस्वीरें जारी करने के पंजाब पुलिस के पास कोई चारा भी नहीं। इसीलिए जब आज तक संवाददाता ललित पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह से पूछते हैं पंजाब पुलिस कैसे फेल हो गई, पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। अमृतपाल एस्केप हो जाता है तो कई तरह के सवाल है पंजाब पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का भी सवाल है, वो उठ रहा है। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि सारे पंजाब में सारे लोगों की तरफ से ऑनरेबल सीएम साहब को फोन आ रहे हैं, उन्होंने धन्यवाद किया है सीएम साहब का। और इस केस में भी जो अब तक एक्शन हुआ है बहुत इफेक्टिव हुआ है। क्यों ना पीठ थपथपाएं जब मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की पार्टी के मुखिया तक अमृतपाल के हाथ से निकल जाने के बाद भी ताली बजाना नहीं छोड़ते। पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। ये बात सच है, पंजाब में शांति बनी हुई है, लेकिन क्या इसके लिए इस चूक को नजरअंदाज कर दिया जाए कि अमृतपाल आंखों के सामने से पुलिस के निकल गया। तभी तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए चार दस्तक दी, कहा ये पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेल हो जाना है। आखिर पंजाब के 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक था तो अमृतपाल भाग कैसे गया?
सब पकड़ लिए गए लेकिन अमृतपाल भाग गया। हमें इस कहानी पर भरोसा नहीं होता।